फायदे देखें, फायदा ही फायदा, मुझे नुकसान कोई नहीं नजर आता। एक आप ये कह रहे हैं कि ये साबित हो जाएगा कि वालिद और बच्चों की तलाशी, अभी तक एक कागज नहीं आया, नॉट वन श्रेड ऑफ एविडेंस फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली जो उनको बेल आउट, जो उनको कहे कि जो मेरा जवाब है ठीक है आप खड़े हैं, और अगर आप इधर से फर्ज करें, मैं परसेप्शन की बात करूँ, देखिए परसेप्शन की बात है ना, रियलिटी तो किसी को पता नहीं, रियलिटी इज बिटवीन वन एक्सट्रीम एंड द अदर एक्सट्रीम, एक और दूसरे एंड के बीच में की रियलिटी, और पॉलिटिक्स में तो परसेप्शन की। अगर आप बच भी करके देखें जी, अपना जोर ला के बच गए, वजीर आजम थे ना, नून के खिलाफ फैसला नहीं आता, अदालतें नहीं कर सकती हैं फैसला, आया नहीं थी इनके पल्ले कुछ, देखिए ये तो सारी दुनिया जानती है कि कागज कोई नहीं दिया इन्होंने, देना इनको चाहिए था, परसेप्शन क्या है, पल्ले ना दे कख नहीं सी, मुस्लिम लीग नून है जी, पंजाब की पार्टी है, यही रोला पड़ेगा, पंजाब की पार्टी इनके खिलाफ फैसला नहीं होता। एक अगर आप बच भी गए तो आप बहुत बड़े टेंट के साथ बचेंगे कि आप इस वजह से नहीं बचे कि आप साफ हैं, आपने अपने हक में कोई कागज और दस्तावेजात जमा कराएंगे, इस वजह से बचेंगे क्योंकि आप पंजाब के वजीर आजम हैं, परसेप्शन ये बनेगी। एक बड़ा फायदा क्या, आप साइड पे हो गए, एक साल मिलेगा आपकी सियासी जमात को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने का, जिसकी वजह से आप अभी इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। अगर कोई और वक्त होता, बिजली पूरी कर चुके होते, प्रोजेक्ट पूरे होते, इस टाइम मियां साहब ने इलेक्शन कॉल कर देने थे, उन्हें कहा ना बताते हैं आपको सेनेट इलेक्शंस भी ऐसा नहीं डिले करना था। दूसरा मैं आगे ऐसा ऐसा ना, एक तो यह है कि अगर वो करते, उनको ये लगता कि अगर हम खुद इलेक्शन कॉल करेंगे, जीतेंगे और फिर कहेंगे भाई उन कर लो जेडा जी ने केस करना, ये वो कर सकते थे, नहीं कर सके, वाई, बिकॉज प्रोजेक्ट में, दूसरा सेनेट का इलेक्शन, तीसरा अदालत को वो रास्ता देंगे जहां अदालत अब ये परसेप्शन नहीं बनाना चाहती कि पंजाब का एक वजीर आजम फिर बाज का, देखो दो जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑलरेडी ये कह के जा चुके हैं आप सादिक और अमीन नहीं है,